यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे वो कंपनी है जहाँ से गाड़ियाँ लोड होती है। तो उस कंपनी में जाएंगे तो डीजल मीडियम साइज में लेके जाएंगे, ऐसे नहीं कि टैंक फुल करवा के लेके जाएंगे। आपके भाई की गाड़ी का नंबर आ गया लोडिंग में, और ये देखो 2-3 माल तो रख भी दिया, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये देख लो, यहाँ पे 4 माल रख के चले गए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 10:10, और अभी हम खड़े हैं झारखंड में। दोस्तों बिहार का बॉर्डर जस्ट पार किया, और पीछे की साइड में राजस्थानी होटल। दोस्तों अब जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। दोस्तों मतलब पूरी रात में हमने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि गाड़ी खाली करके आ रहे थे, और ना तो भूख लगी, पता नहीं क्या हो गया। रास्ता ही कुछ ऐसा था अटपटा, कोई राजस्थानी होटल ही नहीं आई। और दोस्तों राजस्थानी होटल का क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत दिनों से मिली है। दोस्तों ये होटल है ना, वो ये हम पिछली बार आए थे, तो मतलब हमारी गाड़ी के इस साइड में एक डब्बा गाड़ी खड़ी थी, वो एसी वाली, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी उसी होटल पे अभी। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। चलो गाइज पहले खाना वाना खा के आते हैं, वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है, वीडियो इतना भागे चलते हैं। दोस्तों यही है वो राजस्थानी होटल, अंदर आ गए। पहले तो बीड़ी पियेंगे फिर खाएंगे खाना। खाना वाना तो खा लिया, और अब निकलते होटल से बाहर। आपके भाई ने 4 तो बीड़ी के बंडल लिए, और एक लिए यहाँ से तेल की शीशी। दोस्तों इस होटल पे खाना तो कब का ही खा लिया, आपका भाई तो बहुत देर से गाड़ी के अंदर ही बैठा है। और यहाँ से बोकारा कम से कम दोस्तों यहाँ से 250 किलोमीटर और है, 250 किलोमीटर गाड़ी को खाली लेके भी और जाना है। और कम से कम रात से हम गाड़ी को खाली लेके आ रहे, कम से कम वहाँ से 650 किलोमीटर के लमसम था, 650 किलोमीटर से देख लो, 250 किलोमीटर बचे, बाकी का सफ़र रात को पार कर दिया। और यहाँ पे खाना वाना खाए हुए बहुत देर हो गई। बोले हमारे जो एक इस गाड़ी के ड्राइवर हैं वो नहाने धोने के लिए गए, इधर नहाने धोने की सुविधा है। मैंने उनको बोला यहाँ मन्ना हो, थोड़ा सा आगे और रुकेंगे, वहाँ पे राजस्थानी होटल है अच्छी, वहाँ पे ना लेना। उनको तो जल्दी लगी हुई है नहाने की, यहाँ पे गए हुए भाई, अब कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा उनके लिए स्पेशल। तो गाइज हम तो खाना वाना खा के निकल गए, और वो गाड़ी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। देख लो पीछे की साइड में, आप कुछ शीशे में भी देख लो, शीशे में आपको कहीं नहीं दिखाई देगी वो गाड़ी, कि वो बहुत पीछे अभी होटल से भी नहीं निकली होगी शायद तक। वो साफ़ सफाई करने लग गए थे, हम निकल गए। हम उनको बोल रहे आप धीरे धीरे आ जाना, बिल्कुल देखो उधर राजस्थानी जा रहे हैं सब। दोस्तों इस रोड पे राजस्थानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, और अभी झारखंड का बॉर्डर भी नहीं है, ओनली 4 यहाँ से बॉर्डर लमसम 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बीच अंतर है इस बॉर्डर और उस बॉर्डर के, गैप है ये इतना बीच में। रोका था गाड़ी, और पीछे की साइड में चाय की टपरी, चाय आए पिए उधर, और गाड़ी खड़ी है पीछे की साइड में। दोस्तों देखो ये रही है टपरी, और अभी हम मतलब थोड़े पहाड़ी टाइप इलाके में खड़े, मतलब रोड के इस साइड में गाड़ियाँ खड़ी है चलने वाली। गाड़ी के लिए ये 2 लाइन है, ये दोस्तों 6 लाइन अभी नहीं बनी है। देखो ये इधर वाली रोड है, इधर वाली ये अभी नहीं बनी है, और जगह जगह बन रही है, ऐसी बात नहीं कि पूरी बन गई है। पहले की रोड वो ही थी, एक गाड़ी इधर और इधर बाइक चलाने की जगह थी। अब और इसके अंदर एक गाड़ी और रोड जुड़ गई, कुल मिला के 6 लाइन हो गई ना। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:24, सच्ची में आपको ऐसे लग रहा है कि 2:24 हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर बाद, और मेरे को ऐसा ही लग रहा है सेम टू यू। दोस्तों यहाँ से दुर्गापुर, कोलकाता, धनबाद, दोस्तों मनोज डे का गाँव है धनबाद। दोस्तों हम कलकत्ता गए थे तो बिल्कुल इसी रोड पे गए थे, एकदम सीधा सीधा, और ये वही रोड है NH19 नंबर रोड। और अब हमारे को बोकारा जाना है ना, तो आगे ब्रिज आएगा, उस ब्रिज से ड्राइवर साइड जाना है। बल अभी वो ब्रिज यहाँ से दूर है, अभी तो एक राजस्थानी होटल आएगी मेरे हिसाब से, पंप आता है इस साइड में, होटल आता है। एक बार आप हमारा रुका हुआ उस होटल पर, खाना वाना खा के सोए थे, सुबह के टाइम में निकले थे। अभी देखो अगली क्लिप में दिखाऊँगा मैं आपको, वेट करना आप। दोस्तों ये जो सामने पंप दिखाई दे रहा है, इस पंप को जस्ट पार करते ही कोने के अंदर है राजस्थानी होटल। देखो मेरी नज़र और मेरा दिमाग और मेरी लोकेशन इतनी तेज है, जो एक बार देख लें चीज़। दोस्तों जल्दी से आपका भाई कभी नहीं भूलता सबसे, मतलब इस होटल पे ओनली 4 एक बार आया, वो रॉन्ग साइड से आए, उधर गाड़ी रोक के खाना खाया, फिर वापस गाड़ियों को घुमा के यहाँ पर लगा के सोए थे। और इस साइड में होटल थी, ये देखो पूरा राजस्थानी ट्रैफिक खड़ा है पूरा, देख लो है या नहीं, होटल है ये। दोस्तों ये देखो डब्बा गाड़ी, ये पूरा इधर नाला है ना वो मतलब फुटपाथ नहीं बनाया हुआ है, इधर ये नाला बना दिया कि रोड का पानी पूरा जा रहा है पीछे की साइड।
ये कैंटीनर वाला भाई देखो कितने स्पीड से आया और नाले में धकेल दिया डायरेक्ट। दोस्तों ये कलकत्ता वाली रोड तो हो रही, हमारी गाड़ी एक उधर से आ रही है और हम तो घूम के आ गए और हमारे को विश्व रोड पे जाना होगा, ये डायरेक्ट कलकत्ता ही जाती है। चले 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 दोस्तों, मज़ा आया या नहीं वो तो पता नहीं, बल्कि मेरे को ज़रूर मज़ा आया। वो ये देखो लमसम गाड़ियाँ बोकरा है, बोकरा से आ रही है, पाइप लेके आई राजस्थानी, वो टेलर और आ रहा वो राजस्थान, ये क्या लेके आ रहे भाई, ये पाइप कहाँ से कहाँ, ये देखो राजस्थान राजस्थान ये सब। दोस्तों वो आगे रेलवे ट्रैक आ गई, अच्छा हुआ दोस्तों रेलवे ट्रैक ओपन है, बंद होती तो अभी और वेट करना पड़ता। तो टाइम हो रहा 5:06, सच्ची में राजस्थान में तो ना अभी मतलब शायद तक धूप पड़ रही होगी, दिन छुपाए नहीं है और यहाँ पे मतलब झारखंड में कहीं आपको मतलब उजाला दिखाई नहीं देगा, देख लो पूरा धीरे धीरे अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो गया। अभी तो 5:06 हुई, क्या टाइम हुआ है। तो आपका भाई तो चाय वाय पी के आ गया, ये यहाँ पे खोल दिया डीजल टंकी का ढक्कन, डीजल चेक करना कितनी अंगुली है या नहीं, और यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे वो कंपनी है जहाँ से गाड़ियाँ लोड होती है, तो उस कंपनी में जाएंगे तो डीजल मीडियम साइज में लेके जाएंगे, ऐसे नहीं कि टैंक फुल करवा के लेके जाएंगे, वहाँ से लोड करके बाहर निकलेंगे ना, तो फिर देखेंगे भाई कितना का लेते हैं, क्योंकि हजारखंड का टुकड़ा थोड़ा ये और बिहार का टुकड़ा है थोड़ा ये, यूपी लग जाता है तो यूपी से डीजल टंकी भरवाते हैं। और रात को ये जो दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए और इस साइड में वो कंपनी जो उजाला दिखाई दे रहा है, और अब ये गाड़ी इधर खड़ी है वो उधर खड़ी है। दोस्तों गाड़ियों इसलिए खड़ी है क्योंकि अभी तक वो डीओ नहीं आया, नेक्स्ट डीओ आ जाए और फिर हम लोडिंग के लिए अंदर जाएंगे। हमारे तो पार्किंग वार्किंग सब रेडी है, पार्किंग ब्रेक बत्ती ये बिल्कुल दोस्तों उस कंपनी में जाने के लिए सही होना चाहिए। दोस्तों इस चक्कर में भगवान ही हमारा साथ दे रहे, देखो टोपा हेलमेट सब लेके आ गया, जूते उते और ये डीओ आ गया, अब जा रहे अंदर लोडिंग के लिए, और लमसम दोस्तों घंटे दो घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे लोड करके। उनमें थोड़ा सा टूल्स है ना सामान निकालना है, वो गाड़ी का क्या वाट वाट लगाने वाला होता है लोहे का जो कंपनी देती है साथ में, वो टूल में पड़ा है वो बाहर निकालना है मुझे। दोस्तों गेट पे पहुंच गए, ये है गेट, दबा लो दबा लो दबा लो, पीछे हमारी गाड़ी है और किसी की गाड़ी नहीं। दोस्तों हमारी गाड़ी तो गेट के अंदर आ गई, वो 2 नंबर गाड़ी वहाँ पर खड़ी है और उसको चेक कर रहे गार्ड लोग, और ये है अंदर जाने का मेन गेट है इधर वाला। और दोस्तों क्या बताएं, आज आपका भाई है ना वो जूता सेफ्टी मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया, ओनली फॉर हमारे सेठ जी के लिए लेके आया था, सेठ जी ने तो लगा लिया। और आपका भाई ऐसे ही बैठा है गाड़ी के अंदर, देख लो ज़्यादा तो लाइट वाइट जो कि कुछ दिखा नहीं सकता, और आप मेन मेन चीज़ें देख लो, वो देखो मेन गेट ये है, कितना रास्ता दिखाई दे रहा है जाने के लिए। तो यहाँ पे आ गए इस कंपनी में लोडिंग करने वाली में, और आगे देखो हमारे आगे लग रखी है 2-3 गाड़ियाँ, फिर है मेरी गाड़ी का नंबर। और दोस्तों यहाँ पे देखो ऐसी गाड़ी का वाट वाट लगाना पड़ता है, कंपनी का नियम है आगे पीछे हर जगह, और ये मतलब बड़ी क्रेन है, 4-4 बंडल एक साथ ही उठाती है लोड करती है, मतलब चुंबक लगा रखी है दोस्तों वो जो गाड़ी के अंदर से वो उठ रहा है, और दोस्तों पूरी चुंबक ही चुंबक है, ये देखो ये क्रेन के आगे चुंबक लगा रखी है जो ऑटोमेटिक है ना 4-5 बंडल ऐसे पकड़ लेती है, पकड़ बहुत मजबूत होती है इसकी। आपके भाई की गाड़ी का नंबर आ गया लोडिंग में, और ये देखो 2-3 माल तो रख भी दिया, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये देख लो यहाँ पे 4 माल रख के चले गए। तो हमारी गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट हो गई, देख लो पीछे की साइड में, और बंडल तो पता नहीं कितने आए मैंने काउंटिंग नहीं किए, और अब ये हो रही है सामने वाली गाड़ी लोड, ये भी होने वाली है। तो दोनों गाड़ी को कर दिया पार्किंग में खड़ा, वो खड़ी है इधर एक खड़ी है इधर, और अब आपका भाई जा रहा है बाहर चाय आए पीने के लिए। दोस्तों देख लो अभी टाइम हो रहा है 11:30, गाड़ी तो ये है वो मेन जगह, इस साइड में कांटा है, ये ऑनलाइन कांटा होता है, वो लोडिंग गाड़ी का कांटा होता है इस साइड में, और दोनों जगह ऑनलाइन होता है, मतलब नीचे उतर के कांटा पर्ची हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं, क्यों कांटा पर्ची हाथ में आएगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन होता है ना वो, तो जैसे यहाँ पे ऑफिस में आके गाड़ी नंबर डालेंगे ना, जैसे मेरी गाड़ी के नंबर है 8J09GD8839, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वजन आ जाएगा आपकी गाड़ी में, खाली में कितना वजन था, लोडिंग करने के बाद कितना वजन आया। और आपका भाई जा रहा है इसी रास्ते से बाहर चाय आए पीने के लिए, देख लो ये कंपनी के मतलब मेन गेट यही है जो मैं बाहर जा रहा हूँ,
और मेन ऑफिस से बिल्टी उल्टी देने वाला ये इस साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये मतलब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था ना बोकारा, तो आपको ज़रूर दिखाई होगी एक दो क्लिप यहाँ की मैंने। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:30 और आपका भाई ने बाहर घूम के आ गया, कहीं पे भी आपके भाई को ना तो चाय मिली ना नाश्ता मिला, और क्या करें दोस्तों, नहीं मिला, होटले बंद हो गई और हमारी गाड़ी लोड आउट हो गई। रस्सा तिरपाल भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, रस्सा तो नहीं बांधा है, 5 बेल्ट बांधे और ये वाइट वाला तिरपाल बांध दिया, और अब घंटे भर के अंदर अंदर हमारी गाड़ी के पेपर बन जाएंगे, तो पेपर बनने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, सुबह मिलेंगे आपसे खाना वाना खा के, आपका भाई तो भूखे मरने लगे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ ऐसी हालत हो गई। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया, गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।